कोशिश कर रही हूँ, इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, हर तरह से मैं कंटेंट ढूंढती हूँ कि मैं इस पे बनाऊँ ताकि आपको पसंद आए। और प्लीज आप मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरे ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब। पहले ये दही में तैयार पकाए और उसके बाद हम क्रीम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपका क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं वाइट कोरमा, चिकन वाइट कोरमा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बस थोड़े से मसाले डालते हैं और बड़ी जल्दी तैयार होने वाली है। तो हमने आग जला ली है, तो आपको अब हम दिखाते हैं। हमारे पास आधा किलो चिकन है और ये वाइट कोरमा है। इसमें क्रीम भी डलती है, दही भी डलती है, इसलिए हम इसमें तकरीबन कोई इतना अंदाजे से हम घी डाल रहे हैं। थोड़ा हमने घी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, घी हो ऑयल हो जो आपको पसंद है। वाइट कोरमा तैयार करें बहुत सारे तरीके, लेकिन जो मेरा तरीका है मैं बहुत सिंपल तरीके से तैयार करती हूँ। मसाला ज्यादा नहीं डालती, सिर्फ हमने घी को हल्का सा गर्म करना है और हमने इसमें चिकन शामिल कर देना है। बस हमने ये कुछ भी नहीं इसमें डाला था, सिर्फ हमने सिर्फ घी डाला और उसमें हमने चिकन शामिल कर दिया। अब हम उसमें डाल रहे हैं, क्योंकि हम वाइट कोरमा बना रहे हैं, हमने कोई प्याज ब्राउन नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ घी डाला है, उसमें चिकन डाला है। अब हम नमक डाल रहे हैं और अपने तीन मसाले हम ऐड कर रहे हैं, जिसमें काली मिर्च है, साबुत सूखा धनिया और सफेद जीरा। बस ये मसाले हम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसकी हम बुनाई कर रहे हैं। बस हमने जो इसमें मसाले ज्यादा डालने, मसाले बिल्कुल शॉर्ट है, तीन मसाले सिर्फ होते हैं, नमक, सफेद जीरा और साबुत सूखा धनिया। चाहे आप तवे पे भून के रख ले या ऐसे ही डाल दे। उसके बाद आपने शामिल करनी होती सब्ज मिर्ची और देसी थोम में हमारा ये लहसुन और थोड़ा सा हमने तकरीबन दरमियाना प्याज, ये हाफ के जी का है। बस ये हम इंग्रेडिएंट्स इनको हम हाथ से दरदरा कर लेंगे, पीस लेंगे। कप हमने दही ले लेनी है, थोड़ा सा इसमें हमने पानी शामिल कर लिया और इसको हमने चिकन में शामिल कर दिया, क्योंकि ये वाइट कोरमा है, इसमें हमने दही में इसको दही और थोड़ा पानी मिक्स करके पकाना है। व्यूअर्स देखें, मेरी आग जल गई है, बड़ी मुश्किल से जलाई है। पहले तो छापर शुपर लगाते रहे, उसके बाद पेट्रोल डाला है, तो फिर हमने आग जलाई है। और आपके लिए मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, हर तरह से मैं कंटेंट ढूंढती हूँ कि मैं इस पे बनाऊँ ताकि आपको पसंद आए। और प्लीज़ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत कम रिस्पांस आपकी तरफ से आ रहा है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को चलाने में मेरी हेल्प करें। व्यूअर्स, हम ये धनिया काट रहे हैं, धनिया, सब्ज मिर्च, लीमू आप ऊपर से गार्निश के लिए डालेंगे बस। और इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बेहद आसान है। जो आम से आम, जिन लोगों को खाना नहीं पकाना आता उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत इजी है। इसमें सिर्फ दो तीन मसाले होते हैं, इसमें साबुत सूखा धनिया, नमक और ज़ीरा, और इसके बाद आपने दही और उसका क्रीम का इस्तेमाल करना है बस। मसाला तैयार किया था, इसमें हमने सब्ज मिर्च का इस्तेमाल किया, लहसुन और प्याज। बस ये तीन मसाले हैं हमने ये जो इसमें शामिल किए हैं। और जो वैसे हमने इसमें नमक और साबुत सूखा धनिया और सफ़ेद जीरा, बस ये तीन मसाले और तीन हमने ये टोटल ये थोड़े बहुत हम मसाले शामिल कर रहे हैं। इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट तैयार होता है। और जब ये थोड़ा सा पक जाएगा, गल जाएगा, और हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। मसाले वगैरह हमने सारे डाल लिए और चिकन की बुनाई कर ली है। और जो हमने अब इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम। पहले ये दही में तैयार पकाए और उसके बाद हम क्रीम शामिल करेंगे।
तकरीबन हम हाफ पैकेट क्रीम शामिल करेंगे, क्योंकि आधा कप हमने दही शामिल किया है इसमें। बस अब हम इसमें डालें, इसके ऊपर जो है वो सब्ज़ धनिया डालेंगे और साथ ही अपना जो हमारा मसाला थोड़ा सा बचा हुआ था हमने ये शामिल करना है। बस हमारा वाइट कोरमा तैयार है। अब हम आपको दिखाएंगे इसको डिश में निकाल के और खमीरी रोटी के साथ जैसे आप खाना चाहे। मगरब के बाद अंधेरा शुरू हो जाता है और आपको पता है कि चाँद भी निकला है और मैंने कहा ये सीन मैं आपको दिखाऊं। मेरे पीछे बड़ा खूबसूरत सीन आया है और साथ मेरी पकती हुई हांडी तैयार हो चुकी है। बस अब मैं चूल्हे से उतारने लगी हूँ। तैयार हो चुका है बिल्कुल, हल्का फुल्का सा ही मैंने तैयार किया है थोड़ा बहुत, जो कि रेसिपी बड़ी आसान है और जल्दी तैयार होने वाली। मैं आपको दिखाऊँ अब इनकी लुक माशाल्लाह। ये देखें, ये वाइट कोरमा ग्रेवी आपने हल्की फुल्की से रखनी, बहुत ज़्यादा इसमें होती नहीं है। और हमने इसमें रायते की ज़रूरत नहीं, सलाद के साथ नहीं, क्योंकि रायते इसमें दही शही सब कुछ है, क्रीम है। और चाहे खमीरी रोटी के साथ लें या आप तंदूर की दूसरी रोटी के साथ, जैसे आपको पसंद है। मैं अपने व्लॉग का एंड करने से पहले चलते चलते एक बात आपसे कहूंगी कि प्लीज़ छोटी छोटी बातों को दरगुजर किया करें और कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा किसी के साथ खैर करने की, और किसी का दिल दुखे ना, ऐसी कोई बात ना करें कि जिससे किसी को अचानक एकदम परेशानी हो या कोई शख्स गम में मुब्तला हो जाए या आंखों से आंसू आ जाए। प्लीज़ हमें तो लगता है छोटी सी बात है लेकिन किसी के दिल पर असर कर जाती है। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, और इसके साथ ही अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।